दोस्तों मैं ले आया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो। दोस्तों जून का मंथ तो गया, अब आने वाला है जुलाई मंथ। जी हाँ दोस्तों, जुलाई मंथ आने वाला, उसी के साथ दोस्तों कुछ तो स्मार्टफोन तो जरूर ही आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन फॉर जुलाई मंथ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ में कुछ फोन ऐसे हैं ना जिनको आपको देख के ना तबीयत खुश होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है चाहत, आप देख रहे हो टेक चाहत, आइए करें टेक से प्यार। लेकिन दोस्तों भाई लोग क्यों नहीं यार चैनल सब्सक्राइब करते हो, इतनी प्यारी जब वीडियो बनाता हूँ यार, कम से कम पूरी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी शेयर करो यार। छोटे भाई का चैनल है यार, जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों जैसे कि जुलाई का जो मंथ आने वाला है, उस मंथ में ना दोस्तों कुछ ऐसे फोन है जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों पहले बता देते हैं कि दोस्तों अभी तक बहुत ही ज्यादा रूमर्स एंड लीक्स निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस नॉट टू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस की तरफ से बहुत सारे लीक्स वगैरह निकल के आ रही हैं और उसी के साथ यहाँ पर डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर पे ये बेस्ड होगा ये वाला फोन, और साथ में दोस्तों ये हमें शायद एंड ऑफ जुलाई तक देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर जो अगला फोन है वो आ रहा है ओप्पो की तरफ से, हमें देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 6 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, उसके दो फोन होने वाले, यहाँ तक कि कहा जा रहा है जो डायमंड सिटी वाला प्रोसेसर, एक्सचिप लेवल वाला जो डायमंड सिटी वाला प्रोसेसर है उस पे ये दोनों फोन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रेनो 6 प्रो, ओप्पो रेनो 6, जी हाँ दोस्तों दोनों फोन हमें देखने को मिलेंगे, मिड जुलाई तक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगले फोन की जो लीक्स आ रही है वो है दोस्तों, जो कंफर्म है मेरे हिसाब से तो कंफर्म है, अब बाकी जो लॉन्च तो ये जून के मंथ ही में होने वाला था लेकिन वहां पे लॉकडाउन की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया और जुलाई के मंथ में शिफ्ट हो गया कि लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Asus की G8 सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उसके दो फोन आने वाले हैं, जो Asus 8G है और Asus 8G फ्लिप वाला भी आने वाला है जो स्नैपड्रैगन 888 पे बेस्ड होगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों ये एरिया एंड ऑफ जुलाई तक हमें देखने को मिल जाएगा। लोग इतनी सारी तो फोन बता दिए मैंने जो अभी लॉन्च होने ही वाले हैं, कुछ दिन बस इंतजार कर लो लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आप लोग यार किस बात का इंतजार कर रहे हो, क्यों नहीं वीडियो को लाइक किए, क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए। अरे आपके छोटे भाई का चैनल है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से लाइक करो और साथ में एक दो दोस्तों को भी भेज दो, कम से कम वो भी शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग की F और A सीरीज के हमें फोन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है कब लॉन्च होगी लेकिन जुलाई के मंथ में जरूर लॉन्च होंगे, जो उसका सैमसंग गैलेक्सी F22 और सैमसंग गैलेक्सी A22 भी हमें साथ में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फोन है कि लॉन्च होंगे जुलाई के मंथ में। साथ में दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोको के बारे में। तो पोको का F3 GT, जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्च होगा जुलाई के मंथ में, मिड तक हमें शायद देखने को मिल जाए। का प्रोसेसर वगैरह रहेगा डायमेंसिटी 1200 पे बेस्ड रहेगा, जहां तक कि अभी तक मुझे खबर लगी है कि यही बेस्ड रहेगा और हमें मिड तक देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं मोटोरोला के बारे में। तो मोटोरोला का जो मोटो एच सीरीज है वो भी हमें जुलाई के मंथ में देखने को मिल सकती है। तो फाइनली बात कर लेते अपन लोग अपने ब्रांड के बारे में, यानी कि इंडियन ब्रांड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स के दो फोन है जो लिस्ट हुए गीकबेंच पे लिस्ट हुए, और वो दो फोन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन 2B और माइक्रोमैक्स इन 2C, ये इस टाइप से लिस्ट हुए हैं। अब देखना ये जुलाई में लॉन्च होते हैं कि नहीं होते, लेकिन अभी तक जितनी भी रूमर्स आ रहे हैं कि जुलाई में ये फोन जरूर लॉन्च होने वाले हैं माइक्रोमैक्स की तरफ से। मैं दोस्तों एक फोन ऑल लिस्ट हुआ Infinix 0X। जी हाँ दोस्तों, नाम ही बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और ये एक फ्लैगशिप लेवल वाला फोन होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फोन जुलाई के मंथ में
आने वाले हैं और हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थे हमारे अपकमिंग स्मार्टफोन ऑन जुलाई मंथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जबरदस्त फोन लॉन्च होने वाले और सबकी वीडियो आपको तो जरूर देखने को मिल ही जाएगी। ये बोल रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो तो पसंद आई है, इसलिए लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से भूलना बिल्कुल भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में एक दो दोस्तों को भेज दो, कम से कम उनका भला हो। तब तक करते रहो टेक से प्यार, वंदे मातरम।